नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के फाउंडेशन कोर्स में खुश आमदीद। सेल्फ ग्रूमिंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूँ सना नज़ीर। आज का हमारा लेसन है सफाई के बारे में, यानी क्लेनलीनेस। CLEANLINESS क्लेनलीनेस। जी स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे कि सफाई क्यों ज़रूरी है और क्यों करनी चाहिए। क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, यानी ईमान का निस्फ जुज, और साथ ही साथ चुस्त और सेहतमंद रहने के लिए भी सफाई ज़रूरी है। इसके अलावा माशरे में अच्छा मकाम भी एक साफ सुथरे शख्स को ही हासिल होता है, और लोग भी उसी से मिलना पसंद करते हैं जो साफ सुथरा रहता है। जी स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं हम साफ सुथरे किस तरह रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला उसूल है रोज़ाना नहाना। सेहतमंद, साफ और चुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना नहाएं। इससे जरासीम भी कम हमला आवर होते हैं और हम चुस्त भी रहते हैं। नहाने से जिस्म में एक ताजगी सी पैदा होती है और हम साफ सुथरे भी रहते हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि हम रोज़ाना नहाएं। दूसरा उसूल, हाथ धोना। यानी जब भी हम अपने घर में दाखिल हों और खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले हमें हाथ ज़रूर धोने चाहिए। गर्ज ये कि हर काम करने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है, क्योंकि जरासीम किसी भी चीज़ पर मौजूद हो सकते हैं और हमारे हाथ लगाने से हमारे अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये हमें बीमार भी कर सकते हैं। तो ये बात याद रखें कि जब भी खाना खाएं तो इससे पहले और इसके बाद हाथों को ज़रूर धोएं, क्योंकि इससे बीमारियां भी कम असर करती हैं। तीसरा उसूल, कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे पहने। जी स्टूडेंट्स, साफ सुथरा लिबास पहनने वाला शख्स लोगों में ज़रूर मकबूल होता है और इसे माशरे में भी अच्छा मकाम हासिल होता है। ये ज़रूरी नहीं कि कपड़ा हमारा बहुत कीमती हो, मगर ये ज़रूरी है कि कपड़ा नफीस हो, यानी कि साफ सुथरा। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि घर में हो या बाहर, सफाई मेंटेन रखें, अपना लिबास साफ रखें। तो अब आते हैं सफाई के चौथे उसूल की तरफ, जो है अपने माहौल और इर्द गिर्द की सफाई। इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ जहाँ से उठाएं उसे वहीं पर रखें। ऐसा ना हो कि आप चीज़ें बेतरतीब रखें, इससे घर का माहौल ख़राब होता है और घर बिखरा बिखरा मालूम होता है। तो जितना साफ माहौल होगा उतना ही सेहत के लिए अच्छा होगा। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप जहाँ कहीं भी हो अपने इर्द गिर्द सफाई का ख़ास अहतमाम करें। सफाई का पांचवा उसूल, कचरा हमेशा कचरेदान में डालें। अक्सर ऐसा होता है कि हम कचरा कूड़ेदान में नहीं डालते, चाहे घर हो या रोड, चीज़ें खाकर रैपर्स वहीं फेंक देते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। इससे एक तो हमारा माहौल ख़राब होता है, हम बीमार होते हैं, और ये एक गैर अखलाकी बात है। तो स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।